रिवन, आज मैं आपके साथ भिंडी तो प्याज़ा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसमें बिल्कुल आपको रेस्टोरेंट वाला स्वाद और खुशबू मिलेगी। बिल्कुल आपको रेस्टोरेंट जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब भी आपको भिंडी तो प्याज़ा बनानी है तो इस रेसिपी की आप ज़रूर देखें। तो भिंडी तो प्याज़ा बनाने के लिए मैंने 700 ग्राम भिंडी ली है, उसको अच्छे से वॉश कर लिया और इस साइज़ में आपको कट कर लेना है। एक पैन ले लेना है, उसमें 2 से 3 बड़े चम्मच हमने सरसों ऑयल ले लिया है, मस्टर्ड ऑयल लिया है। इसको स्मोकी होने देना है, धुआं छोड़ने तक गर्म होने देना है और भिंडी को अच्छे से फ्राई कर लेंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से हमने भिंडी फ्राई कर लेना है। बीच बीच में आपको चलाते भी रहना है ताकि आपकी भिंडी जल ना जाए। ये देखिए, इस तरह से फ्राई होने देंगे। अभी हमने एक अलग से पैन ले लेना है, उसमें मसाला हम रेडी करेंगे। तो ये 2 चम्मच मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है, सरसों ऑयल लिया है, इसको अच्छे से गर्म होने देंगे। आधी चम्मच हमने जीरा ले लिया है, 2 मीडियम साइज़ के बारीक कटे हुए प्याज ले लेने हैं और इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से फ्राई कर लेंगे हम अपने प्याज को। अभी आधी चम्मच मैंने अदरक लहसुन कूट के डाला है। आप सोच रहे होंगे कि भिंडी में अदरक लहसुन क्यों डाल रहे हैं, लेकिन आपको लटपटी ग्रेवी आप जब भी बनाएंगे या आप भिंडी तो प्याज़ा की ग्रेवी आप बना रहे हैं इस तरह से लटपटी, तो आप ज़रूर डालें। इसका एक अच्छा सा स्वाद आता है, आपको बना के खा के बहुत मज़ा आएगा। ये देखिए, हमारा मसाला अच्छे से फ्राई हो गया है। कुछ सूखे बेसिक मसाले डालेंगे। आधी चम्मच मैंने हल्दी डाली है, 1 चम्मच घर की कुटी हुई मिर्ची डाली है, आधी चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर डाल दिया है, 1 चम्मच धनिया पाउडर डाला है और स्वाद अनुसार नमक डाल दिए। तो घर के बेसिक से मसाले डाले हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं डाला है। 1 मिनट तक इसको अच्छे से भूनने देंगे इस मसाले को। तो अभी एक मैंने छोटा सा टमाटर डाला है, अगर आपके पास है तो आप डालें, अदरवाइज स्किप कर दीजिए। टमाटर बहुत महंगे हो रखे हैं तो स्वाद में कुछ भी चेंज नहीं आएगा। बस इसको अच्छे से मैं पकने दे रही हूँ इस टमाटर को। आपके पास नहीं हो टमाटर तो आप ना डालिए। 4 बड़े चम्मच अभी मैंने दही डाल दिया है, तो आप ये दही इस्तेमाल कर लें, 4 की जगह 5 चम्मच इस्तेमाल कर लें। और इसमें मैंने थोड़ा सा दही कटोरी में लगी हुई थी तो वो पानी ऐड करके मैंने डाल दिया है। ग्रेवी को थोड़ा सा लटपटी होने देंगे। 1 चम्मच मैंने कसूरी मेथी डाल दी है भुनी हुई, और इस ग्रेवी को अच्छे से पकने देंगे। लटपटी होने तक पकाना है हमने। और इस टाइम पे बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है हमारे मसाले की, आप ज़रूर बना के देखिए, आपको बहुत ही बेस्ट रिजल्ट मिलेगा इसका। ये देखिए, आपके घर वाले ज़रूर दोबारा हमेशा मांगेंगे। तो भिंडी तो प्याज़ा हम बना रहे हैं, तो ये मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज इसे डाइस में कट कर लेना है और इस तरह से अभी हमने ऐड कर दिया है। और उसको सॉफ़्ट होने तक थोड़ा सा पकाना है, बहुत ज़्यादा सॉफ़्ट नहीं होने देना, थोड़ा सा क्रंची रखना है। तो 1 मिनट तक हमने पकाना है, लीड कवर करके, ढक्कन ढक के। तो 1 से 2 मिनट हो गया है। बहुत ज़्यादा ज़रूर इस चीज़ का ख्याल करें कि आपने सॉफ़्ट नहीं होने देना है प्याज को। और ग्रेवी का कलर देखिए, ग्रेवी की थिकनेस देखिए, इस तरह से आपने ग्रेवी रेडी करनी है। ये देखिए, तो भिंडी इधर फ्राई हो गई। ऑयल आप सेपरेट कर लेना, इतना सारा ऑयल नहीं डालना है हमने, इतने सारे ऑयल की ज़रूरत नहीं है। और बस उस मसाले में इस भिंडी को ऐड कर देना है और 4 से 5 मिनट और पकाना है ताकि भिंडी और जो मसाला है वो अच्छे से ऐड हो जाए भिंडी में। ये देखिए, तो इस तरह से ऐड करना है और 4 से 5 मिनट तक इस टाइम पे और पकाना है हमने अपनी भिंडी को, ताकि सारे मसाले ऐड हो जाए भिंडी में। तो गाइस, बहुत सिंपल सी रेसिपी लेके आई थी मैं आपके लिए, आपको अच्छी लगी होगी आई होप। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, रेसिपी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू, बाय बाय।